नमस्कार दोस्तों, मीरा भाईंदर के आजाद नगर में मैं खड़ा हूँ। महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी ने एक बार फिर यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें 28 फरवरी को यहाँ पे आग लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। रंग बहादुर यादव का अभी भी अवैध निर्माण है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ये लोग अपनी दुकानें बनाए थे, जिस तरीके से ताड़पत्री में रह रहे थे, इन्हें उजाड़ने के लिए दोबारा यहाँ पे जेसीबी लेकर के खड़े हो गए। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया है इन गरीबों के आशियाने को, इनके महलों को, इनके दुकानों को, इनके मकानों को। आपको बता दें कि इन्होंने काफी कोशिश की थी। पपैया नाम के जिस व्यक्ति ने इनको जमीन बेचा है, पुलिस प्रशासन या मनपा प्रशासन ने उनके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं की है। सैकड़ों गरीबों को उसने फंसाया है। 100-100 रुपए के एग्रीमेंट बना के 20-20, 25-25, 30-30 साल पहले जमीन बेच दी है, जिसके बाद ये लोग यहीं पर झोपड़े पत्रे का बना के रह रहे थे। उन्हें कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल रहा है। आस लगाए कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल रहा है। आस लगाए कि उन्हें कोई मदद करे, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये बाला साहब कराधान केंद्र बन रहा है। ये सब इसी के चलते हुए यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है।